शांति। आज की तारीख है 23/3/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक सबसे पेचीदा और सहज और श्रेष्ठ बनाने वाला यह बेहद का नाटक, जो ड्रामा कहा जाता है बेहद का, तो आज बेहद के ड्रामा के विषय में मीठे मीठे बाप दादा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा उवाच, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। ये ड्रामा बनाया नहीं गया है, लेकिन ये अनादि है और अविनाशी है। इसमें जो सीन पास हुई वो फिर कल्प के बाद रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। इसीलिए हम इसके विषय में क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये हम सोच ही नहीं सकते हैं। ये सोचना हमारा टाइम वेस्ट करना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं उसके राज को समझकर सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमोप्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? कैसे समझें कि ये दुनिया पूरी तमोप्रधान ताकि भी ऊंची स्टेज पर, हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच गई है? उत्तर है, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, कितनी घमसान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट कर ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती है, कितना नुकसान हो जाता है, ये सब तमोप्रधानता के चिन्ह हैं। तमोप्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो। क्या कहते हैं हम बच्चे? ये सब सीन देखते हुए हम बच्चे कहते हैं, नथिंग न्यू। ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं और अनेक बार फिर से हम देखते रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर धारणा युक्त महावाक्य। नंबर एक, सदा ध्यान रहे कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। कोई साधारण मनुष्य आत्मा या साधारण हस्ती के बच्चे नहीं है। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। जब हमारा बाप साधारण नहीं, तो हम भी साधारण एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हमें बहुत ही प्यारा सभी का होकर के रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है, माना आपस में भी हमारा सबके साथ मेल जोल रहे। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। बाबा कहते हैं, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं? खुद को देखते हैं, तो खुद को सुधारना है, फिर हम औरों को सुधारने का यत्न करें। नंबर दो धारणा बिंदु, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का हम निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। वरदान सतगुरु बाप दादा का, लाइन क्लियर के आधार पर
नंबर वन पास होने वाले एवर रेडी भव। लाइन क्लियर माना, किसी भी देहधारी का याद न आए, किसी भी देहधारियों की स्मृति का विघ्न न हो, बीती हुई बातों का विघ्न न हो, कोई भी विघ्न हमारे पास योग करते समय या बाप को याद करते समय आना नहीं चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारी लाइन क्लियर है। स्पष्टीकरण, सदा एवर रेडी रहना। बाबा हमें जब भी बुलाना चाहे हमको बुला सके, तो सदा एवर रेडी रहना, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। हम ब्राह्मण बच्चे सदा एवर रेडी रहते हैं। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिले, एवर रेडी, उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत न हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा कि यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद न आए तब नंबर वन पास हो सकेंगे। उसको कहेंगे एवर रेडी और बाबा कहते हैं वही बच्चे नंबर वन में पास बच्चे हैं। लेकिन ये सब अचानक का पेपर होगा, ये पेपर आएगा लेकिन अचानक आएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। स्लोगन है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय स्मृति का भोजन दो। कैसे वो शक्तिशाली बनेगी? एक तो ईश्वरीय स्मृति दिलाओ और फिर शक्ति भी मिले उसे। स्मृति और शक्ति दोनों यदि उसे प्राप्त होगा तो ये भोजन खाके आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। स्मृति दिलानी है कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी संतान हूँ। और शक्ति कैसे दें कि जब सर्वशक्तिमान मेरे साथ है तो मुझे कमज़ोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.